ये क्या है? कुल्फी और सेविया? तुम्हें नहीं पता ये क्या है? इसे फलूदा कहते हैं, फलूदा। जो कहते हैं कि लोगों का मार मार के बन जाता है। ऐसे बनाते हैं। खाओ खाओ, यहाँ एक शॉप है, उसका फलूदा बहुत फेमस है। खाओ बताओ कैसा है। ये सब मुंबई की चीजें। मैं तो नासिक की छोटी सी जगह काम क्षेत्र से हूँ, घर से काम, काम से घर, कभी ये सब चीजों के बारे में पता ही नहीं लगा। कैसा लगा? I think इसकी स्पेशलिटी ना ये चॉकलेट पीसेस हैं, मतलब आइसक्रीम सेविया और साथ में चॉकलेट, बहुत अच्छा लग रहा है। या, क्योंकि चॉकलेट पीसेस मैंने डाले हैं, ओके? ये मैंने बनाया खुद, दी करण लूथरा स्पेशल फलूदा। अब तुम जब भी ये फलूदा खाना ना, तो उसको बोलना करण लूथरा स्पेशल देना, या विद चॉकलेट। मैं तुम्हारे बिना क्यों ये फलूदा खाऊं? जब भी मुझे फलूदा खाना होगा तो मुझे यहाँ ले आना और अपने हाथों से बना के खिला देना विद चॉकलेट। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं। इसलिए मैं जानती हूँ कि ये भी मुझे करण ने अपने हाथों से बनाकर भेजा है। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं फिक्र, जिसे जताने की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात अक्षय के कत्ल की, तो मैं जानती हूं, मेरा दिल जानता है कि ये खुद मेरे हाथों नहीं हुआ है। मैंने अक्षय पर वार जरूर किया था, लेकिन इतनी जोर से नहीं मारा था कि वो मर ही जाए। इनफैक्ट जब मैंने उसके सर पर वार किया तो वो जिंदा था, उठने की कोशिश कर रहा था, तो वो मेरी वजह से नहीं मरा है। ये बात मेरा परिवार, मेरा प्यार जरूर जानता है। उन्हें पता है कि प्रीता जाने अनजाने में भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती है, इसलिए सब लोग असली कातिल को ढूंढने में लगे हुए हैं। जैसे ही उन्हें पता चल जाएगा कि अक्षय का कत्ल किसने किया, मेरी फैमिली, मेरा परिवार मुझे यहाँ से बाइज्जत बाहर ले जाएगा। ऐसा है मेरा प्यार, तो तुम मेरी चिंता ना ही करो, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्यार है। So thank you। ठीक है प्रीता जी, तो अब रहिए अपने प्यार वाला गुस्सा और गुस्से वाले प्यार के साथ। अब जब आपने तय कर ही लिया है कि आपको अंधेरे में रहना है, धोखा खाना है, तो रहिए अंधेरे में, खाइए धोखा, क्योंकि मैं जाकर भी अब कुछ नहीं कर पा रहा हूं आपके लिए। बी हैप्पी प्रीता जी, बी हैप्पी। सैमी, क्या हो गया? तुमने मुझे यहाँ इतनी रात को क्यों बुलाया? सिस्टर, एक बहुत जरूरी बात करनी है, एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला है, मैंने अपने कानों से सुना। किससे सुना? क्या सीक्रेट, क्या बोल रहे हो तुम? माहिरा से सुना। माहिरा? वो जंगली बिल्ली, उसने, अच्छा I'm sorry, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप तुम प्लीज बताओ तुमने क्या सुना है, वर्ड टू वर्ड बताना, मुझे सब कुछ सुनना है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने देखा माहिरा कॉरिडोर से ना अपने रूम में जा रही थी, फिर उसका फोन बजा, मैं किसी से बात कर रही थी, बड़ी गुस्से से बात कर रही थी, चिल्ला रही थी जैसे कोई गुंडा अपने बंदे से बात नहीं करता, वैसी बात कर रही थी। कहती कि आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, और फोन करने से पहले चेक कर लिया करो, अपना अकाउंट चेक करो, मैंने डाल दिए पैसे, दोबारा कभी फोन मत करना, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि यहाँ पे किसी को भी पता चले कि मैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट में थी। ये सब बोल रही थी यार। इसका मतलब ये चालाक लोमड़ी कोई ना कोई बड़ा कांड कर रही है या किसी से करवा रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। सैमी, बोलो। कहीं ये अक्षय के मर्डर से रिलेटेड तो नहीं है? पॉसिबल,
सामी, हमें ये माहिरा का फोन किसी ना किसी तरीके से लेना होगा। हमें ये पता लगाना होगा कि उसे फोन कौन कर रहा है और वो किसे धमकी दे रही है। हो सकता है कि उसका फोन मिलने से हम चीजें अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सके। तुम समझ रहे हो? हमारी बात ठीक है, लेकिन हमें उसका फोन कैसे मिलेगा? हमें फोन मिलेगा नहीं तो हमें फोन चुराना पड़ेगा। हम सॉरी मैं ये कह रही हूँ, लेकिन जब तक उसका फोन हाथ में नहीं आ रहा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि उसे फोन कौन कर रहा था और वो किसे धमकी दे रही थी। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है सिस्टी, जब तक हम दोनों पिता भाभी को इनोसेंट प्रूव नहीं करते ना, हम दोनों चुप नहीं रहेंगे। थैंक यू। यस। तो शुरुआत हुई थी इन दोनों के प्यार की, अभी ये सब नहीं। मैं करण भाई और प्रीता भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं इनको अलग नहीं होने दूंगा। I'm sure मारा कुछ तो गड़बड़ कर रही है। मैं उसकी असलियत पता लगाऊंगा और उसके चेहरे से झूठी दोस्ती का नकाब हटा के रहूंगा। अब वक्त आ गया कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए और वो इस घर से चली जाए, क्योंकि अब धोखे की लंबी रात बस बीतने ही वाली है। बहुत जल्दी सुबह होगी, प्यार की सुबह। क्या जरूरत थी प्रीता को अक्षय का मर्डर करने की? अरे मर्डर करके वो तो जेल में जाकर आराम से बैठ गई, चैन की जिंदगी जी रही। हाँ भी घर का सारा काम मुझे करना पड़ा, भाई बन गई हूँ। ये आलू को भी अभी गिरना था। अरे मैं खुद आलू जैसी हो गई हूँ, अगर ये आलू को उठाने गई तो कहीं रोल ना हो जाऊं।
क्या हो गया? इतनी क्यों परेशान हो रही हो? ये सब क्या है? ये लो। क्या हुआ? प्रेगनेंसी हुई। मायरा, तुम मेरे लिए प्लीज कॉफी बना दोगी? हाँ, बैठो। ये प्रेगनेंसी की वजह से ना मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। मतलब जब देखो तब सिर्फ चिड़चिड़ी रहती हूँ। कुछ समझ भी नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। I don't know what's happening here. Baby. क्या हो गया? इतना चिड़चिड़ापन क्यों? इतनी चिड़चिड़ क्यों हो रही हो तुम? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? ये किया है। अदरक की तरह फैल रही हूँ। कुछ भी करूँ सिर्फ गुस्सा करती रहती हूँ। थोड़ा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ। फिर तुम जैसे लोग पूछते हो कि चिड़ रही क्यों? होता है ना, तुम प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी में ये सब होता रहता है, ये चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग्स। प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स चेंज होता है ना, इस वजह से। तो आज तुम्हें जो भी बोलना है तुम बोलो, मैं चुपचाप सुनूंगा, प्यार से सुनूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम मुस्कुराओ, क्योंकि इस पे असर पड़ेगा। तुम खुश रहोगी तो ये हंसता हुआ बाहर आएगा, एकदम हेल्दी, खुश एकदम। पृथ्वी, मैं शर्लिन के लिए कॉफी बना रही हूँ, तुम्हें चाहिए? So sweet of you, extra strong with no sugar, एकदम कड़वी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि बेबी तुम ना खुश, ये तुम्हारा हाथ क्यों शेवर कर रहा है? तुम ठीक हो ना भाभी जी? देखिए आपको अपना ख्याल रखना है, मैं जानता हूँ प्रेगनेंसी में चक्कर वक्कर आते हैं। मुझे लग रहा था आप गिरने वाली थी इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। आप ठीक है ना? देखिए आप अच्छे से खाइए पीजिए, अपना ध्यान रखिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ भाभी जी। आप ठीक है ना जी? अगर कॉफी बनने में टाइम लग रहा हो तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। हाँ टाइम लगेगा, तुम बाद में। ओके, आप ध्यान रखिएगा अपना भाभी जी। शैलिन, तुम यहाँ किचन में? गिरीश कहाँ है? चाची जी वो पौधों को पानी दे रहे हैं। आई एम सो सॉरी मायरा, गलती से मैं तुम्हारा फोन ले गया। अब मेरा फोन यहीं पे रह गया। ये कॉफी भी बन गई है। पृथ्वी? जी चाची जी। तुम बहुत पहुंचे हुए हो, नहीं? कहाँ? अरे इतने घबरा क्यों रहे हैं? पहुंचे हुए का मतलब है कि एक साथ हर तरफ। बहुत पहुंचे तुम्हारे। देखो ना, यहाँ तुम अपनी भाभी का दिल जीत रहे हो और वहाँ कृतिका से रिश्ता जोड़ रहे हो। मेरा मतलब है शादी कर रहे। वैसे ये शर्लिन इस शादी से खुश नहीं थी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लेकिन अचानक राजी हो गई। क्यों? हाँ, इसीलिए कि तुम अपने भाभी का इस तरह हाथ पकड़ पकड़ के, मतलब सेवा कर करके आखिर मनाए लिया ना भाभी को। मेरा मतलब है कृतिका से शादी के लिए। अरे ओ चुपड़ी चाची, मुझे उल्लू समझ के रखा है क्या? मतलब बोल के सारी मतलब की बातें बोलती है। बहुत शक हो रहा है ना मुझ पे? कर जितना शक करना कर, मेरी बला से। सब समझ गई आप चाची जी, काफी समझदार लगती है आप। हाँ
मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन राखी भाभी की तरह भोली नहीं हूँ, ये बात तो पक्की है। नाइस कॉफी, एकदम कड़वी, जैसे मुझे पसंद है। आपको भी ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू। शालू, कॉफी मांगी थी तुमने। थैंक यू। कुछ काम है मुझे, मैं आती हूँ आपसे। हाँ चाची जी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। शालिन। जी चाची। मैंने अभी अभी कहा ना कि मैं राखी भाभी की तरह भोली नहीं हूँ। अरे सच में मैं भोली बिल्कुल नहीं हूँ, मेरी दो आंखें नहीं, चार आंखें, दो आगे और दो पीछे। पीछे वाली समझती है और आगे वाली देखती है, तो मुझे सब दिखता है। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे और पृथ्वी के बीच, कुछ तो है। मुझे पता है तुम होलिका दहन की रात होटल द गोल्डन बर्ड में थे। मुझे ये भी पता है उस रात होटल रूम में क्या हुआ था। मुझे तुम्हारे और अक्षय के बारे में भी सब कुछ पता है। लेकिन तुम जो भी हो ना, मेरे सामने ज्यादा होशमंद बनने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। कौन बोल रहा है? मैं वो हूँ जो अक्षय के कत्ल के पीछे छिपा हर राज जानता हूँ। कृतिका और तुम्हारे पैसे मिलके पूरे 50 लाख रुपए होते। कितने पैसे मांगे उसे? 20 लाख। मैं दूंगा तुझे 30 लाख। हेलो, लिसन, क्या चाहिए तुम्हें? 50 लाख रुपए मुझे आज शाम 4 बजे तक चाहिए, वरना पुलिस स्टेशन का एड्रेस पता है मुझे, वहां जाके मैं एसीपी विजय को सब बता दूंगा, तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा। तो 4 बजे तक 50 लाख रुपए दे दो, फिर से फोन करूंगा। हेलो, हेलो। बोर हो रही होगी ना यहाँ पे, लगा ही था मुझे, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। तुम कंफर्टेबल नहीं हो गई हो तुम यहाँ पे? लेकिन प्रीता, मेरी ये एडवाइस है तुम्हें कि इतना कंफर्टेबल मत हो जाओ, जेल यहाँ से बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। कोर्ट की हियरिंग के बाद तुम्हें वहीं ट्रांसफर कर देंगे ना? कोई बात नहीं, इतना फुटेज क्यों खा रही हो? वैसे प्रीता, इन लोगों ने ना मुझे बहुत कम टाइम दिया है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ ऐसे देखकर मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हें करण से अलग करने के लिए, लेकिन हर बार मैं ही हार रही थी। इस बार कर दिया ना, जो चैलेंज दिया था वो करके दिखा दिया, अलग कर दिया मैंने तुम्हें करण से। इतना सुकून मिल रहा है तुम्हें यहाँ ऐसे देख के। और दूसरी बात, अब करण मेरा होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी मैं उसकी जिंदगी से।